जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन SUN न्यूज। आज हम बात करेंगे कन्याओं पर होते अत्याचार विषय पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे समाज में लड़कियों के अस्तित्व पर, उन पर होते अत्याचार पर और समाज के आईने में महिलाओं की उभरती छवि पर। बच्चों के प्रति अपराध में मध्य प्रदेश वर्ष 2006 में सबसे आगे था। दहेज नहीं तो शादी नहीं, ये एक ऐसा डर है जो एक बेटे के पिता को खाई जाता है और वो बेटी को अभिशाप समझने लगता है। बिहार व उत्तर प्रदेश में दहेज से संबंधित अपराधों में सबसे ऊपर है और देश का सबसे तेजी से बढ़ता शहर बेंगलोर भी इसकी चपेट से नहीं बच पाया है, जहां आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि दहेज एवं घरेलू झगड़ों के कारण प्रतिदिन 4 महिलाओं की मौत होती है। देश में 32% महिलाओं पर होने वाले अपराध सीधे तौर पर दहेज प्रथा से जुड़े होते हैं। आज भी देश में बेटियां शादी के लिए 4000 से 30000 रुपए में बेची जाती है। अगर बाल विवाह की बात करें तो कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करने की प्रथा सबसे अधिक राजस्थान में प्रचलित है। 56% लड़कियों के विवाह आज भी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही कर दिए जाते हैं। अगर बेंगलोर की घटना पर एक नजर डालें तो मात्र 3 माह की बच्ची नेहा आफरीन, जिसके पिता उमर फारूक ने उसे बेटी की चाह में बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला। बच्ची नेहा के शरीर पर सिगरेट से दागने और काटने के काफी निशान थे, जिसे देखकर उस मासूम बच्ची की माँ रेशमा बानू से भी कहे बिना ना रह गया कि उसके पति को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी ही एक और घिनौनी करतूत एक ऐसे पिता की है जिसने अपनी बेटी के मुंह में इस कदर तंबाकू ठूस दिया कि दम घुटने से उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। ऐसी न जाने कितनी ही घटनाएं समाज के खोखले आईने में बच्चियों एवं महिलाओं के प्रति पुरुष वर्ग की बर्बरता को व्यक्त करती हैं। तो आज यही है हमारी चर्चा का विषय और हम अपने स्टूडियो में विशेष अतिथियों के साथ इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू येट अनदर डिबेट ऑन इशू टुनाइट। टुडे वी हैव गॉट वेरी एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑन आवर पैनल और हमारी इस डिबेट में आज हमारा साथ देंगे सीनियर एडवोकेट आरसी दलाल, डॉक्टर जगमती सांगवान एमिनेंट सोशल वर्कर एंड डॉक्टर सोनिया मलिक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी MDU रोहतक। Viewers, I've got a few facts to present in front of you today. I'll tell you a few stories, and believe me, I will not enjoy in the least presenting these stories to you, and I'm sure you will not enjoy listening to these stories, but still, we have to do it all the same. April 11, 2012, baby Neha Afri, 3-month-old baby, dies of brain hemorrhage and cardiac arrest in a hospital. She had cigarette burns and bite marks all over her body. And can you believe it? The man to do it to her was none other than her own father, Umair Farooq. The mother of the child, Reshma Banu, said that the father had tried to kill the child many times before also, but somehow could not succeed. And he finally succeeded in doing it on 11th of April. March 15th, 2012, 9:45 p.m. 2-year-old baby Falak breathes her last at All India Institute of Medical Sciences, Delhi. And when she was admitted to the hospital, her legs and arms were all broken up and her skull was all smashed in. Munni, a 33-year-old, and believe me, this incident is also of the month of March, that is 31st of March, year 2012. This is a 30-year-old woman from Guntur, Andhra Pradesh. In the last 8 years, she got pregnant 6 times. And each time she got pregnant, she would be tied to a pole and beaten up horribly with rods and anything that a husband and in-laws could lay their hands upon. You know why? Only to make her miscarry her child. And all this because some tantric had said that the 7th child that this lady would bear would be a boy. Is this the country we are living in today? Isn't it really shameful? मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा इसके बारे में मैम,
क्या मतलब हमारा खून नहीं खोलता है जब हम ये इंसिडेंट सुनते हैं? डजंट इट मेक अ ब्लड बॉयल? स्मेयर एंड एंगर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगी कि हम सभी को बहुत ज्यादा मतलब एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, जितने ये केसेस जिस तरह से एक के बाद एक इतनी गंभीर अवस्था के आए हैं, बच्चियों के साथ, महिला के साथ, कि उस विषय के ऊपर आपने एक अभिव्यक्ति दी, हमें भी और समाज में भी एक चर्चा शुरू करने का काम किया जी। और इसमें अगर देखें तो दो कैटेगरीज के ये केस हमारे सामने आए हैं पिछले दिनों, जिन्होंने झकझोर के रख दिया पूरे समाज को जी। एक में ये मिलता है कि हमारे समाज के अंदर जो पुत्र लालसा है, सन प्रेफरेंस का जो है, और जिसका परिणाम है लड़की भ्रूण हत्या यहाँ पे जी। तो एक तो उस कैटेगरी के केस हैं ये कि आपको लड़का चाहिए था फादर को, इसलिए जो बेटी हुई तो बेटी जिस दिन से पैदा हुई थी उसी दिन से वो फिराक में था कि उसको किसी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लगती, उसको तो लड़के की चाहत थी जी। और दूसरा ये है कि अभी जैसे समय बदलता जा रहा है तो आबादियों का बहुत ज्यादा विस्थापन है, एक से दूसरी जगह पे रोजगार के लिए उनको जाना पड़ रहा है, और इस तरह से मतलब जो महिलाएं हैं खास तौर पे, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है कि आपको जिस समाज में जब जानते पहचानते हैं आप लोगों को, वहां पे थोड़ा एक सुरक्षा का आभास रहता है और लोग भी थोड़ा सा अपराध की तरफ जाने में झिझकते हैं, परंतु जहां आपको जानते नहीं है महानगरों के बीच में, जैसे गुड़गांव का केस आया मॉल के सामने, जिस तरह से वो महिला के साथ हुआ, तो मतलब इस तरह से ये जो विस्थापन है आज के दिन जो हमारे विकास के साथ है, ये बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उसमें जब काम करने के लिए ये महिलाएं जा रही हैं तो वहां पे भी असुरक्षा है, मॉल में वो काम करती थी, इसी तरह से कॉल सेंटर्स में जो काम करने वाली है, तो व्हीकल्स में आने जाने की जो उनकी समस्या है, वहां पे कई ऐसे शॉकिंग केसेस हुए हैं। पर मेरा इसमें ये मानना है मैम कि ये कोई प्रॉब्लम आज की नहीं है, आज से नहीं जुड़ी हुई, दिस गोज बैक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यू पिक अप द हिस्ट्री ऑफ आई मीन एंशिएंट इंडिया एंड दिस थिंग इज वाज प्रेवलेंट इवन देन एंड इट इज रादर गेटिंग वायरल टुडे। समाज में जिस तरह से ये फैलता, हम उम्मीद करते हैं मैम एक तरफ कि जहां हमारा समाज प्रगति कर रहा है, एजुकेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, वुमेन काइंड की हमारे कंट्री में एक नई अवेकनिंग होनी चाहिए, उसको तो छोड़िए। मेरे स्टैट्स कहते हैं कि पिछले 10 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव इन फैक्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। दैट इज व्हाट 9,500 वुमेन को मर्डर किया जाता है हमारे देश में हर साल, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? दहेज के लिए। और आपने जैसे अभी शुरुआत करी, दैट वाज स्टार्टलिंग रिवीलिंग कि मंथ ऑफ मार्च में हम 8 मार्च को बड़े गौरव से इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, और आप मार्च के महीने में देखिए कितने ये भयानक और दर्दनाक मानवता के प्रति जो क्रूरता, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इंतहा है, और वो हमारे सामने एक के बाद हो रहे हैं, और हम झकझोरते हैं, हम अपने टीवी सेट्स में बैठे हुए देख रहे हैं और उनको वो करके, एंड व्हाट हैपेंस कि स्विच ऑफ करके और फिर अपना माइंडसेट फिर उधर हो। व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दीज थिंग्स? क्यों हम बहुत आगे आके, क्या ये केवल एनजीओस का या कुछ समाज सेवी संस्थाओं या केवल पुलिस, और पुलिस की अगर और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी अपनी ही एक दास्तान हो सकती है, उनके कुछ इस तरह के नियम भी हैं या कुछ, मतलब इतना हो चुका है और हम हर चीज को बस एक बार जब्त कर लेते हैं और आगे चलते रहते हैं। आफ ही समवेयर ऑर द अदर डाउन द लाइन फेलिंग एज अ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट अवर वुमेन इज अ सोसाइटी व्हिच इज, आई मीन एनी सोसाइटी, एनी सोशल सेटअप, यू पिक इट अप, इफ द फीमेल इज नॉट देयर एंड शी इज नॉट प्रॉस्परिंग, शी इज नॉट हेल्दी, दैट सोशल स्ट्रक्चर सूनर और लेटर इज बाउंड टू कोलैप्स। क्या कहेंगे आप? नहीं साहब, अब जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेटर है। ये कंसेप्ट के आज औरत के ऊपर ज्यादा जुल्म है ये बिल्कुल गलत है जी। सती प्रथा थी पहले, हजारों औरतें जो हैं वो पति के साथ जल जाती थी, तो वो जो चीजें हैं वो आस्ता आस्ता खत्म होने लग रही हैं। आपका जो चैनल है टीवी या जो आजकल ज्यादा इस चीज को एलोबोरेट करते हैं, ये समाज में चीजें आ रही हैं जी। लेकिन परसेंटेज आप ये कह रहे हैं कि 9,500 औरतें मारी जा रही हैं, ये है परसेंटेज जो है आज क्राइम की
उस हिसाब से, पहले के हिसाब से मेरे विचार से काफी कम। नहीं, हमारे स्टैट्स वकील साहब ये कहते हैं कि दीज क्राइम्स आर ऑन द राइज। डेटा के आधार पे अगर बात करें तो क्राइम अगेंस्ट वेमेन बहुत ही अलार्मिंग तरीके से वो बढ़ता जा रहा है, और घंटों में नहीं मिनटों में महिलाओं के साथ जो है वो अपराध की घटनाएं हो रही है। और उसमें और भी जो चिंता की बात है वो ये है कि उस हिंसा की बर्बरता जो, कि आप इतना बच्चा है, बच्चे को बच्चे की तरह से देखने की नजर खत्म होती जा रही है समाज के अंदर। एक जानवर भी अपने तो बच्चे को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, वो कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, इंस्टिंक्ट मेल है या फीमेल है। जी, वो बर्बरता बढ़ती जा रही है और उसकी जो अपराध का अब मतलब जो एक तरह से कहेंगे 6 महीने की बच्ची से लेके 70 साल की महिला तक, हमारे यहीं पास में 70 साल की औरत के साथ मदीना गांव से और उसको मिसलीड करके लेके गए कि डिलीवरी का केस है, आप चले साथ में, तो ये जो डायमेंशंस हैं मतलब ये ज्यादा चिंतित करती है हमें। और इसी वजह से अब इससे भी आगे जब देखा तो और भी शॉकिंग था, जैसे कर्नाटक का असेंबली का केस आया कि असेंबली में विधायक जो है वो एमएलएस जो है वो पॉन देख रहे हैं, हाँ, और उससे भी लगे हुए हैं। तो ये जो कुल मिला के जो माहौल है इसके ऊपर हमें बहुत गंभीरता के साथ सभी को सोचने की जरूरत है। और अगर समाज के अलग अलग जो तबके हैं वो अपना ड्यू रोल प्ले करेंगे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है समाज में जिस पर काबू नहीं पाया हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक बार उसके पूरे मतलब जो इंटरलिंकेजेस हैं जो समस्या के, उन इंटरलिंकेजेस के साथ सही स्वरूप में समस्या को अगर हम समझ लें और पूरा सामूहिक रूप में, तो उसमें फिर आसानी से हम संघर्ष कर सकते हैं। डॉक्टर जगमती सांगवान, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि हम शिक्षा का बहुत प्रसार हो रहा है, जैसा दलाल साहब ने कहा कि अब वो स्थिति पहले से नहीं रही, और ये काफी हद तक ठीक कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा के कारण और जो हम अपनी बच्चियों को गवर्नमेंट लेवल पर और फैमिली लेवल पर सोसाइटी लेवल पर जो उनको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं वो कंधे से कंधा आगे मिला के चल रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था और यकीन मानिए हॉल में बैठा हर व्यक्ति ये देख रहा था, इसका चश्मदीद गवाह था कि जितनी भी डॉक्टरेट की डिग्रीज या जितनी भी हमने डिग्री जो अर्न करी हैं बच्चों ने उसका 70 से लेकर 75% के करीब लड़कियां थी। देवर क्लियरली लीडिंग अहेड, सब कुछ होते हुए भी जो हमारी ये पाश्विक जो प्रवृत्ति है, ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट है जो अपने ही बच्चे के लिए और फादर्स के बायोलॉजिकल फादर्स ये काम कर रहे हैं, और इक्का दुक्का केस नहीं है, कहीं ना कहीं से होता जा रहा है। आप अगर कभी भी एकेडमिक अचीवमेंट्स में देखें, बीट रिजल्ट्स ऑफ 10th CBSE और 12th, एवरीवेयर गर्ल्स आर डूइंग ऑल दिस बेटर।